दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के दिल्ली प्रदेश में शीला दीक्षित की अध्यक्षता में महिलाओं की एक मीटिंग हुई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पे। आइए दिखाते हैं हम आपको महिलाओं की मीटिंग। दिल्ली तिमापुर क्षेत्र के निगम पार्षद राजकुमारी की बात सुनिए, उनका बयान। जी मैडम जी, कौंसलर जी, आप शीला दीक्षित से के प्रोग्राम आप कर चुकी हैं? हाँ, तो शीला दीक्षित के जो प्रोग्राम करती हैं उनका क्या स्वभाव है और उनकी पार्टी अब सत्ता में आने के लिए क्या कुछ नए नए वो कर रही है कि जो आपकी बार जो है सत्ता में पार्टी है? शीला दीक्षित जी को मैंने मेरे वार्ड के अंदर हरिनगर में मैंने बुलाया था जी। मैंने 5 मार्च को मैंने बुलाया था, तो उस टाइम जब शीला दीक्षित आई थी मेरे वार्ड के अंदर, कम से कम 5000 महिलाएं, जब उन्हें पता चला कि एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे वार्ड के अंदर आ रही है, तो वहाँ पर इतनी महिलाएं सिर्फ उनके नाम से वहाँ पर, क्योंकि इनके नाम के पीछे सिर्फ काम है, क्योंकि काम ही दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित का जो नाम जो ऊंचा हुआ है वो उनकी सिर्फ एक दिल्ली में विकास और काम के नाम से और उनका व्यवहार और उनका लोगों के साथ। आप दिल्ली के वहाँ से अपने क्षेत्र से जिला अध्यक्ष हैं। हाँ जी। आपने पार्टी के लिए कितने कार्यकर्ता जोड़ी, महिला कितनी जोड़ी? हाँ, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम भी मैंने 400 या 500 महिलाओं को मैंने जोड़ा हुआ है पूरे तिलकनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हमने एक सर्वे करवाया था, मैंने पूरे दिल्ली के अंदर जो मैं तिलकनगर जिला से मैं अध्यक्ष हूँ, कम से कम मैंने 1300 लोगों को मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने सर्वे करवाया, उसके अंदर पाया गया कि कांग्रेस। आप लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव के लिए हमने अभी पोलिंग बूथ के ऊपर हमने एक टीम बनाई है जिसमें कि महिला कांग्रेस, अब जब इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें हमारे मेन कांग्रेस के साथ साथ जो महिला कांग्रेस की हमारी पोलिंग बूथ की टीम है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर टेबल पर बैठेंगी, बाहर बैठेंगी, और जितनी महिलाएं वोटर्स हैं उनको हम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट डालने के लिए हम लोग कहेंगे जी। थैंक यू। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित को बधाई देते हुए।